हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं विदेश जाने के लिए कितना पैसा लगता है, चाहे वो सऊदी हो गया, दुबई हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, किसी भी कंट्री में जाने के लिए कितना पैसा लगता है। और एजेंट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि एजेंट लोगों का सर्विस चार्ज कितना होता है और वो कितनी सैलरी दिलवाते हैं। और ऑफिस के बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा कि ऑफिस वाले कितना सर्विस चार्ज लेते हैं और कितना सैलरी दिलवाते हैं। तो इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कम पैसा में विदेश जाना चाहते हैं तो आप अपने घर से नहीं जा सकते हैं, अपने जो सिटी के जो ऑफिस है उस ऑफिस से नहीं जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मुंबई या दिल्ली जाना पड़ेगा। मुंबई और दिल्ली में जो बहुत अच्छी अच्छी ऑफिसें हैं, उन ऑफिस से आपका अपना वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आप कम पैसों में जा सकते हैं। हो सकता है कि आप फ्री में भी जा सकते हैं, क्योंकि इन ऑफिसों में कभी कभी फ्री रिक्वायरमेंट होता है, तो आप फ्री में भी विदेश जा सकते हैं और ये ऑफिस आपसे 1 रुपया भी सर्विस चार्ज नहीं पे करेंगे। तो आप इस तरीके से कम पैसे में जा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे मुंबई में मैं 2-4 ऑफिस का नाम बता रहा हूँ, उस ऑफिस से जाते हैं तो उनकी सर्विस चार्ज 20 से 40 हज़ार होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। और हो सकता है अगर फ्री रिक्वायरमेंट हो तो आप फ्री में भी जा सकते हैं, वो ऑफिस वाले आपसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते हैं। तो जैसे एशिया पावर हो गया, अम्बे इंटरनेशनल हो गया, सिंक्लियस हो गया, और सेबल इंटरनेशनल हो गया, इंडमान हो गया, और अंकिता ट्रेवल्स हो गया, ये जैसे बहुत सी ऐसे ऑफिस हैं जो मुंबई में, जो उन ऑफिस से अगर आप अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपके साथ कोई फ्रॉड भी नहीं होगा और इन ऑफिस का सर्विस चार्ज बहुत कम होता है। और ये ऑफिस से अगर जाते हैं तो आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी लगती है। तो अगर एजेंट के थ्रू जाते हैं तो आपकी आपको सर्विस चार्ज ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे अगर मुंबई में 40 हज़ार दे रहे हैं तो एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो वहाँ यहाँ से आपको 80 से 90 हज़ार देना पड़ेगा और आपकी सैलरी भी कम लगेगी। और ये तो अच्छे एजेंट है जो आपको भेज दे रहे हैं ज़्यादा सर्विस चार्ज लेके, लेकिन दोस्तों जो एजेंट है उनका रिकॉर्ड सही नहीं है और वो जो बहुत फ्रॉड एजेंट है, अगर उनके थ्रू आप जाते हैं तो आपको सर्विस चार्ज भी देना ज़्यादा देना पड़ेगा और आपकी सैलरी भी कम लगेगी और वो अच्छी कंपनी में नहीं भेजेंगे। हो सकता है किसी भी कंपनी में वो भेज दें जिस कंपनी में आपकी सैलरी टाइम से नहीं मिले और कुछ भी प्रॉब्लम होगा उस कंपनी में आपको भेज देते हैं, क्योंकि उन एजेंट का काम सिर्फ पैसा लेके आपको भेजना होता है, बस उनको पैसा से मतलब होता है। तो अगर आप उस एजेंट से जाते हैं तो आप खुद बहुत सारे प्रॉब्लम का फेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आप मुंबई से जाए तो सही रहेगा, क्योंकि मुंबई में जो अच्छे अच्छे ऑफिस हैं उनमें कोई फ्रॉड नहीं होता है, जो ऑफिस बोलेंगी वहीं करेंगे, जैसे आपका जितना सैलरी लगेगा जिस कंपनी में जाएंगे तो उतना आपको सैलरी भी मिलेगा और जो सर्विस चार्ज बोलेंगे वहीं सर्विस चार्ज देंगे। तो आप मुंबई से जाएंगे तो सही रहेगा। जिन लोगों को मुंबई में जगह नहीं है रहने का और मुंबई नहीं आ सकते हैं, वो लोग सोच रहे हैं कि अपने गाँव या अपने सिटी से विदेश जाए, तो वो लोग एजेंट से जा सकते हैं, लेकिन एजेंट से जाने का यही प्रॉब्लम है कि सर्विस चार्ज ज़्यादा देना पड़ेगा और सैलरी भी कम लगेगी और हो सकता है कि आपको कंपनी भी अच्छी ना मिले। दोस्तों, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि एजेंट के थ्रू जाना चाहिए, ऑफिस के थ्रू जाना चाहिए। जैसे कि हमने जानकारी दी है, अगर आप उसके थ्रू जाते हैं तो आपका पैसा भी बहुत कम लगेगा और आप अच्छी कंपनी में और अच्छी सैलरी में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके भी मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे।